मोहम्मद नियाजी साहब, सर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ स्ट्रेट अवे। ये मुझे बताइए जनाब मन, यूक्रेन का मैं जरा पढ़ रहा था, वो तो कॉमेडियन था उनका जो प्रेसिडेंट है, और अब बैठ करके अदाकारियां कर रहा है, कभी जाकर के फौज के साथ फौज का यूनिफॉर्म पहन करके खड़ा हुआ है, कभी सदारती महल में खड़े होकर के, और वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है कि जी आई एम द टारगेट वन, मुझे मिटाने के लिए, मेरी फैमिली को मिटाने के लिए कोशिशें हो रही हैं, कभी जो है वो दुनिया भर पर तबर्रा कर रहा है कि भाई आओ हमें हथियार दो। जनाब एक तरफ तो ये साबित हो गया कि जिसका काम पॉलिटिक्स से अगर उसने नहीं किया तो फिर नाकामियां मुकद्दर होती हैं। दूसरी बात सर, आपको ये जान के कैसा लगा, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया कि हम एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के हामिल मुल्क हैं, अमेरिका ने दूसरी मरतबा इस दौर में कुछ कहा था और हमने, हमारे हैंडसम वजीर आजम ने, हमारी तब्दीली सरकार ने उनको नो कर दिया। पहली दफा तो अमेरिका मुकर चुका था, जिस पे ये लोग इतराते फिर रहे थे कि हमने अमेरिका को नो किया, वो तो अमेरिका से ही खबर जारी हुई कि भाई हमने तो कुछ कहा ही नहीं है। आपके ख्याल में इस मरतबा ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब खबर लाए, ये भी कहीं फेक न्यूज के जिम्मे में तो नहीं आती? हेलो जी सर, मेरा सवाल खत्म हो गया। जी मैं तो एक बात ये कहूंगा कि खान साहब जितने भी खारजा पॉलिसी की बात हुई है, पहले तो ये जो रशिया का दौरा था उसमें जो गेन किया, मुझे तो कोई समझ नहीं है कि क्या गेन किया, और उन्होंने कहा कि हर कीमत पे दौरा करना है। 3 घंटे की मुलाकात में जो एक बात जो बयानी है, जो उनकी जो वजारत खारजा की स्टेटमेंट है, दो लाइनों में उन्होंने लिख दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने दौरा किया। और जी भी जो खान साहब जो नारा लेके गए थे कि मैं वहाँ इस्लामोफोबी में बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा, हमारे 3-4 मुआहदे होंगे, हमारा ये होगा वो होगा, लेकिन जब वो स्टेटमेंट क्या आके टीवी पे चली कि वहाँ जो तजारत आपस में तजारत में दिलचस्पी बढ़ाने पर बात हुई, देखो ये या जो पुराने एमओयू थे उनको रिवाइव करने पर बात हुई, तो मुआहदा तो कोई नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि अगर मुआहदा को हो भी गया है तो क्या आप इतनी ताकत है कि जब पूरा यूरोप रशिया पे पाबंदियां लगा रहा है तो क्या आप उससे तजारत कर लेंगे? हमारे पड़ोसी मुल्क जो ईरान है उसके साथ हम तेल नहीं खरीद सकते, हम अपनी पाइपलाइन वो बना चुका है और हमने भी कुछ बना लिया, बीच में 80 किलोमीटर के एरिए जहाँ पाइपलाइन बनी है वो तो हम यूरोप और अमरीका गैस से बना नहीं सकते, तो क्या हम रशिया से तजारत कर सकते हैं? दोबारा खान साहब का ये दौरा सिर्फ अनाज की भीड़ था कि क्योंकि मैंने कह दिया है तो मैं आप जाऊंगा, पहले भी मेरी बड़ी साल्ट हुई है, पहले भी जब मैंने मलेशिया से बात की थी कि हमने जो है वो कोई अपना ब्लॉग बनाते हैं, अपना टीवी बनाते हैं, तो मुझे दौरा कैंसिल करना पड़ता सोचिए की वजह से। हालांकि सर ईमानदारी की बात है, ये भी गलत है, मतलब इतने सारे खुशामदी टीवी चैनल जो टीवी एंकरों के होते हुए बिलावजा का एक टीवी चैनल बनाना इस आला पाएगा, जब दिन भर बैठ करके इन लोगों से चमचागिरियां करवाई जा रही है, तो अब वो तो अच्छा हुआ खर्चा बच गया। बहरहाल आपकी राय का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।